Hello friends, welcome to e-learning program. Myself Indu Gaba. I am presently working as assistant professor of mathematics at Dr. B. R. Ambedkar Government PG College Kaithal. आज के e-learning program में हमारा subject रहेगा matrix space. Thank you so much for giving me a lot of love and support for my last lectures on matrix space. Beside this, I have received a lot of messages for giving more lectures on matrix space. So I have decided to give few lectures on matrix space only. तो आज के matrix space की ही कड़ी में हमारा topic रहेगा open sphere and interior point. In continuation of this, we start our lecture. Definition of open sphere. Open sphere किसमें बनाना है हमने? Matrix space में. तो सबसे पहले हम क्या ले लें? एक matrix space. तो मैट्रिक्स स्पेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक्स से, और मैट्रिक को डी से. तो हमने एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस ले लिया. ओपन स्फीयर हम बनाते थे जब छोटी क्लासेस में, तो कैसे बनाते थे? एक पॉइंट ले लेते थे, फिर हम कंपास खोलते थे, जितनी रेडियस हमें चाहिए पॉइंट पे कंपास रख के उसको ड्रॉ कर देते थे. वो हमारा क्या बन जाता था? ओपन स्फीयर. तो उसको बनाते हुए कभी हमने सोचा, जैसे हमने अगर कंपास 5 सेंटीमीटर खोली है, तो अगर कोई पॉइंट 6 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से तो वो उसके अंदर नहीं आता, और अगर कोई 4 सेंटीमीटर दूर है तो वो आ जाता है. तो इसका मतलब हमने एक दायरा फिक्स कर दिया कि इतने डिस्टेंस वाले पॉइंट लेने हैं, इससे ज़्यादा डिस्टेंस है तो नहीं आएगी, इससे कम डिस्टेंस है तो आएगी. तो ओपन स्फीयर मैट्रिक्स स्पेस में भी वही चीज़ है. तो हमने कैसे करना है? एक्स हमने मैट्रिक्स स्पेस ले लिया, हमने मैट्रिक का ही एक पॉइंट ए ले लिया और एक पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया, उसको नाम दे दिया आर. अब हमने एक सेट बनाया, हमने कहा इसमें मैट्रिक्स स्पेस के वो वाले पॉइंट ले लो जिनकी हम ए से डिस्टेंस निकालें वो इस आर से छोटी आ जाए. यानी कि कौन सा सेट है? ऑल दोज एक्स बिलोंगिंग टू एक्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए इज लेस देन आर, इसी को हम क्या बोलेंगे? ओपन स्फीयर. और इस ओपन स्फीयर के लिए ये जो ए है ये क्या बनेगा? सेंटर ऑफ द स्फीयर. और ये जो आर होगी इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ ओपन स्फीयर. और इस ओपन स्फीयर की नोटेशन कैसी होगी? एस ए इसके पैर में आर, एस आर ए बोलेंगे ऐसे, या आप ऐसे भी लिख सकते हो एस ए कोमा आर, लेकिन ज़्यादातर नोटेशन चलती है एस आर ए. आपकी इच्छा है, आप जो मर्जी यूज करें. तो इसका मतलब एस आर ए क्या हो गया? इट इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एक्स फ्रॉम एक्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज लेस देन आर. अभी आपको ये मैट्रिक्स स्पेस में डेफिनेशन बताई है, अब हम इसको रियल लाइन पे लेके चलते हैं. रियल लाइन में आपको पता लग जाएगा कि स्फीयर कैसे ड्रॉ करते हैं. तो ओपन स्फीयर्स इन रियल लाइन कैसे बनाएंगे? अब हमने ओपन स्फीयर रियल लाइन में बनाने हैं, इसका मतलब हमारा मैट्रिक्स स्पेस क्या बन गया? रियल लाइन. तो हमने एक्स को क्या ले लिया? आर. और मैट्रिक कौन सी होती है? यूजुअल मैट्रिक. तो हमने लिया एक्स इज इक्वल टू आर बी द यूजुअल मैट्रिक. और मैट्रिक क्या होती है? यूजुअल एक्स माइनस वाई का मोड. तो डी एक्स वाई हमारा आ गया मोड एक्स माइनस वाई. तो हमने ओपन स्फीयर बनाना है तो हमें दो चीज़ें चाहिए, क्या? एक सेंटर, एक रेडियस. तो हमने कोई भी ए ले लिया रियल नंबर में से, हमने उसको सेंटर मान लिया. एक आर ले लिया पॉजिटिव नंबर, इस रियल नंबर, इसको हम रेडियस मान लेंगे. तो अभी हमने पढ़ा एस आर ए क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एक्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए इज लेस देन आर. अभी हमने कहा डी एक्स वाई हमारा क्या है? मोड एक्स माइनस वाई. हमें क्या चाहिए? डी एक्स ए. तो हमने डी एक्स ए की जगह लिख दिया मोड एक्स माइनस ए. अब मोड को खोल दो, मोड लेस देन आ रहा है तो इसका मतलब एक्स माइनस ए आर से छोटा होगा और माइनस आर से बड़ा होगा. यानी कि एस आर ए कौन बन गया? ये उन एक्स का सेट बन गया. किसका एक्स? रियल लाइन के, जिनमें एक्स माइनस ए जो है वो आर से छोटा है और माइनस आर से बड़ा है. अब इन तीनों में ए ऐड कर दो तो ये माइनस आर बन जाएगा ए माइनस आर, एक्स माइनस ए बन जाएगा एक्स, और आर बन जाएगा ए प्लस एक्स. इसका मतलब आपने क्या लिया? रियल लाइन के वो वाले एक्स ले लो जो ए माइनस आर से बड़े हों और ए प्लस आर से छोटे हों. ऐसा ऐसा तो हमने पढ़ा हुआ है. अगर मैं कहूँ तीन से बड़े लेने हैं, पांच से छोटे लेने हैं, तीन नहीं लेना, पांच नहीं लेना, तो आप क्या बोलोगे इसको? ओपन इंटरवल 3,5, कि तीन भी नहीं लेना, पांच भी नहीं लेना, तीन से बड़े लेने हैं, पांच से छोटे लेने हैं. इसी तरह अब हमने क्या किया? ए माइनस आर नहीं लेना, ए प्लस आर भी नहीं लेना, ए माइनस आर से बड़े लेने हैं, ए प्लस आर से छोटे लेने हैं. तो ये क्या बन गया? ओपन इंटरवल ए माइनस आर कोमा ए प्लस आर. इसका मतलब रियल लाइन पे अगर आपको ओपन स्फीयर बनाना है तो आपका सेंटर ए है,
आप ए पे डॉट लगाओ, ए में से आर घटा दो इधर, ए में आर जोड़ दो इधर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ओपन सफियर। इसका मतलब रियल लाइन पर ओपन सफियर क्या है, एक सिंपल ओपन इंटरवल जिसका सेंटर वही है और रेडियस आर। तो इसको और एग्जांपल्स में लेके चलते हैं, ये तो हमने अभी रियल लाइन पे मैथमेटिकल फॉर्म में किया, अब इसको एग्जांपल्स के जरिए करते हैं। तो एग्जांपल क्या है, मान लो हमने ओपन सफियर बनाना है, सेंटर है 1, रेडियस है 3/2, तो क्या करेंगे, 1 में से 3/2 माइनस कर देंगे, 1 में 3/2 जोड़ देंगे, तो ये हमारा ओपन सफियर बन जाएगा। 1 माइनस 3/2 क्या होता है, माइनस 1/2, 1 प्लस 3/2 5/2। लेकिन बस एक बात ध्यान रखनी है कि ओपन सफियर बनाते हुए जो उसके अंदर पॉइंट्स आएंगे वो किसके आएंगे, मीट्रिक स्पेस के ही आएंगे। यहाँ पे ओपन सफियर हमने कहाँ पे बनाया, रियल लाइन पे, रियल लाइन हमारी पूरी लाइन है, उस पर तो हर एक पॉइंट आ जाएगा, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है, जो भी माइनस करके आया या प्लस करके आया हमने लिख दिया। अब हम जो मैं अभी बोल रही हूँ कि मैट्रिक्स स्पेस के ही पॉइंट्स लेने हैं, वो इस नेक्स्ट एग्जांपल से इलुस्ट्रेट होगा। तो मान लो अब हमारा मैट्रिक्स स्पेस है क्लोज इंटरवल 1, 2, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो हम उसको मैट्रिक्स स्पेस बना सकते हैं, तो ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, दिस इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स स्पेस, ये रियल लाइन के अंदर ही है, रियल लाइन का सबसेट है। इसमें अब मैंने ए सेंटर ले लिया 1 और रेडियस ले ली 1/2। अब अगर मुझे इसी ए से ए को सेंटर मान के, यानी कि 1 को सेंटर मान के और 1/2 को रेडियस मान के अगर सफियर ड्रॉ करना है, तो डेफिनेशन वही है, इसमें वो वाले एक्स आएंगे सच दैट एक्स ए माइनस आर से बड़ा होगा और ए प्लस आर से छोटा। ये मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया कि हमारा ओपन सफियर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसमें जस्ट आप ए और आर की वैल्यूज डाल दो, इसका इसमें वो वाले एक्स आएंगे, ए की वैल्यू डाली 1, आर की वैल्यू डाली 1/2, तो 1 माइनस 1/2 छोटा हो गया एक्स से और एक्स छोटा हो गया 1 प्लस 1/2 से, तो ये अपना यहाँ पे आ गया 1/2 और यहाँ पे आ गया 3/2। तो आप क्या कहोगे कि 1/2 से लेकर 3/2 तक का जो ओपन इंटरवल है वही बनना चाहिए ओपन सफियर, तो नहीं ऐसा नहीं बनेगा। कैसे देखें, ये हमारी रियल लाइन है, हमारा मैट्रिक्स स्पेस कौन है, क्लोज इंटरवल 1, 2, तो ये क्लोज इंटरवल 1, 2 हमारा ओपन मैट्रिक्स स्पेस बन गया। हमारा ओपन सफियर कौन बन रहा है, 1/2 से बड़ा, तो ये 1/2 ले लिया और ये 3/2, तो 1/2 से लेकर 3/2। लेकिन आप देखो ये वाला जो पोर्शन है ये तो हमारे मैट्रिक्स स्पेस का पार्ट ही नहीं, लेकिन हमने मैट्रिक्स स्पेस में जब ओपन सफियर ड्रॉ कर रहे हैं तो ओपन सफियर में तो जो पॉइंट्स आएंगे वो मैट्रिक्स स्पेस के ही आ सकते हैं, मैट्रिक्स स्पेस से बाहर क्या हो रहा है वो तो हमें पता ही, इससे बाहर ये जो वैल्यूज हैं, ये यहाँ पे जो वैल्यूज है वो तो हमें हमारे लिए कुछ है ही नहीं, वैल्यू ही नहीं है उनकी, इसलिए ये वाला पोर्शन हम छोड़ देंगे। अब अगर वैसे हम सफियर बनाते हैं 1/2 से लेकर 3/2, तो 1 उसके बीच में आता, अब 1 हमारा मैट्रिक्स स्पेस का पॉइंट है, तो यानी कि इस ओपन सफियर में भी 1 आएगा लेकिन 1 से छोटे नहीं आएंगे, तो हमारा मैट्रिक्स स्पेस ओपन सफियर क्या बन जाएगा, 1 से लेकर 3/2। तो शक्ल इसकी ओपन इंटरवल जैसी नहीं दिख रही, लेकिन ये है क्या, ओपन। तो ख्याल क्या रखना है आपने कि जब भी जो मैंने पॉइंट्स लेने हैं वो मैट्रिक्स स्पेस के होने चाहिए, हमारा आना चाहिए था 1/2 से लेकर 3/2, लेकिन 1/2 से लेकर 1 तक तो अपना मैट्रिक्स स्पेस ही नहीं है, इसलिए इतने पोर्शन को हमने छोड़ दिया, तो हमारा ओपन सफियर 1 से स्टार्ट हुआ, खत्म कहाँ हुआ, 3/2 पे। तो इस मैट्रिक्स स्पेस में 1 और 1/2 सेंटर और रेडियस लेके जो हमारा सफियर बनेगा क्लोज इंटरवल 1 की तरफ से और 3/2 की तरफ से ओपन, ये देखने में भले ही आपको ओपन सफियर ना लग रहा हो पर यही क्या है, ओपन सफियर। क्लियर, नेक्स्ट। अब हम ओपन सफियर डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी क्या होती है, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसके कोई भी दो पॉइंट ले लो, उनके बीच में डिस्टेंस या तो जीरो होगी या 1। जीरो कब होती है, जब पॉइंट सेम होंगे, और 1 कब होती है, जब पॉइंट सेम नहीं है। सिर्फ दो ही डिस्टेंसेस होती हैं इस डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में। अब इस मैट्रिक्स स्पेस में हम ओपन सफियर पढ़ते हैं, ओपन सफियर के लिए अपने को क्या चाहिए, एक सेंटर एक रेडियस। तो मैंने लिखा एक्स डी हमारा डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है और डिस्टेंस जैसे मैंने अभी बताया या तो जीरो होगी या 1। जीरो कब होती है, जब पॉइंट सेम है, 1 कब होगी, जब पॉइंट्स अलग अलग हैं। सेंटर मैंने क्या मान लिया, ए, और रेडियस क्या ले ली, आर। अब हमने फिर ओपन सफियर बनाना है। अब क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस 0 और 1 है तो मैं इस रेडियस, ये भी कोई रियल नंबर ही होता है, अगर ये रियल नंबर है तो इसमें इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी। तो मैंने फर्स्ट केस लिया, मान लो रेडियस 1 से बड़ी है,
तो SRA की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी है, इसमें मीट्रिक स्पेस के वो वाले पॉइंट्स आएंगे जिनके डिस्टेंस सेंटर से निकाले R से छोटी आए। R आप अपने माइंड में सोच लो, एक से बड़ा चाहे 1.1, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 10, चाहे 100, आप कुछ भी पॉइंट अज्यूम कर लो। तो इसका dx से, मान लो आपने 1.1 सोचा, dx से 1.1 से छोटा है। अब dx a 1.1 से छोटा है, डिस्टेंस 1.1 से छोटी कौन है, 0 भी है 1 भी है, इसका मतलब dx से 0 भी हो सकता है, dx से 1 भी हो सकता है। अगर आप 10 सोचते r को, 10 भी x से बड़ा है, तो आप dx से 10 से छोटा कौन आएगा, 0 या 1, यानी कि 1 से ग्रेटर आप कोई भी नंबर ले लो तो डिस्टेंस की अपने पास दोनों ही ऑप्शंस आएंगी, 0 भी आएगी 1 भी आएगी। तो यहाँ हमने लिख दिया इसमें मीट्रिक स्पेस के वो वाले पॉइंट्स आएंगे जिसमें dx से या तो 0 हो या dx से 1 हो। अगर डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब x a के बराबर, डिस्टेंस 1 है इसका ये दोनों बराबर नहीं है, x a के बराबर नहीं है। तो आपने क्या कहा, इसमें वो वाले x आएंगे या तो वो a के बराबर हो जाएं या वो a के बराबर ना हो। इसका मतलब अगर मैं कहूँ क्लास में इस लड़के के इक्वल जो लड़का है, मान लो नेम a b c d कुछ भी, a अगर नेम का कोई लड़का है a आ जाओ, और अगर कोई a नहीं है वो भी आ जाओ, तो सब कुछ ही आ जाएगा। इसी तरह इसमें अगर मैं कहूँ a पॉइंट है वो भी आना चाहिए, अगर कोई a नहीं है वो भी आ जाए, तो इसका मतलब पूरा मैट्रिक्स स्पेस ही इस ओपन स्फीयर में आ जाएगा। इसका मतलब अगर हमारा डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है, हमने किसी पॉइंट को सेंटर लिया और रेडियस अगर एक से ग्रेटर ले ली, तो वो पूरा का पूरा मैट्रिक्स स्पेस ही हमारा क्या बन जाएगा, ओपन स्फीयर। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं, मान लो आर हमारा क्या है, 1। फिर दोबारा SRA की वही डेफिनेशन, इसमें x वही आएंगे x के, जिसमें dx से r की वैल्यू आपने क्या रख दी, 1। dx से एक से छोटा होना चाहिए, डिस्टेंस एक से छोटी होनी चाहिए, अपने पास कितने डिस्टेंस है, या तो 0 या 1। अब 1 वाली तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमने तो कहा डिस्टेंस एक से क्या है, छोटी, तो एक वाली तो नहीं ले सकते, तो क्या आएगी डिस्टेंस किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 की। तो हमारी dx से क्या आ गई, 0। अगर dx से 0 आ गई तो x को a के इक्वल होना पड़ेगा। इसका मतलब आप इसमें कह रहे हो वो वाले x आएंगे जो a के बराबर है, यानी कि कोई भी x आए उसको a के इक्वल होना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस ओपन स्फीयर में खाली क्या आएगा, a। देखो कितनी अच्छी बात है, अगर ये हमारा डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है, आप 5 को सेंटर मान रहे हो, अगर कहते हो रेडियस 1.1, तो कहोगे पूरा मैट्रिक स्पेस ही हमारा क्या बन जाएगा, ओपन स्फीयर। और अगर आप कहो कि इस रेडियस मैंने 1 लेनी है, अगर मैंने क्या रेडियस 1, रेडियस अगर क्या लेनी है 1, तो जो 5 पॉइंट लिया है खाली वही पॉइंट ही ओपन स्फीयर बनेगा, सिर्फ सिंगल पॉइंट 5 ही आएगा। इसी तरह थर्ड केस लेते हैं, अब आपने आर को एक से छोटा मान लिया, आर को एक से छोटा मान लिया, फिर माइंड में कुछ सोच लो, एक से छोटा 0.9, 0.99, 0.1, 0.2, 0.5, जो दिल करे आपका मान लो। फिर एस आर ए की डेफिनेशन लिखी, dx से r से छोटा, r अगर आपने 0.9 माना तो dx से 0.9 से छोटा होना चाहिए। अब आपके डिस्टेंसेज में दो ही चीजें हैं, या तो 0 या 1, 0.9 से छोटी कौन हुई, सिर्फ 0, इसका dx से को क्या होना पड़ेगा, 0। dx से 0 होएगा तो x किसके इक्वल आ जाएगा, a के। इसका मतलब सेम उसी तरह से ये ओपन स्फीयर भी क्या बन जाएगा, सिंगलटन पॉइंट। तो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में ओपन स्फीयर कितना ब्यूटीफुल है कि अगर रेडियस 1 है या 1 से छोटी है, तो सिंगल पॉइंट जो सेंटर है वही हमारा ओपन स्फीयर है। और रेडियस आप 1 से जरा से ग्रेटर कर लो, 1+1/1 crore कर लो, छोटा सा पॉइंट आपने ऐड किया है, और वो पूरा मैट्रिक्स स्पेस हमारा क्या बन जाएगा, ओपन स्फीयर। क्लियर, नेक्स्ट। चलो अब आपसे पूछते हैं, क्या ओपन स्फीयर नॉन एम्प्टी होएगा या एम्प्टी होएगा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ओपन स्फीयर एम्प्टी हो जाए, नो, ओपन स्फीयर कभी भी एम्प्टी नहीं होएगा, इट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। तो फिर इसको प्रूव भी करना पड़ेगा, मैथ्स में तो हम ऐसे नहीं कह सकते, तो नॉन एम्प्टी कैसे प्रूव करें। अब हमें पता है कि ओपन स्फीयर में कौन आते हैं, जिनकी डिस्टेंस सेंटर से निकाले और वो क्या आनी चाहिए, रेडियस से छोटी। तो अब देखो, मैंने एस आर ए कोई भी ओपन स्फीयर ले लिया, सेंटर ए ले लिया, रेडियस आर ले लिया। एस आर ए की डेफिनेशन क्या है, वही एक्स जिनकी डिस्टेंस ए से निकालोगे आर से छोटी आएगी। अब मैंने ए की ए से ही डिस्टेंस निकाली, क्या आएगी ए की ए से डिस्टेंस, 0 आएगी, 0 आर से छोटा होता है, इसका मतलब ए की सेंटर से डिस्टेंस आर से छोटी है। और आप कहते हो जिस एक्स की ए से डिस्टेंस आर से छोटी हो, उस एक्स को कहाँ जाना पड़ता है,
ओपन सफियर में, तो हमारे ए की भी तो डिस्टेंस सेंटर से जो निकाली है वो किससे छोटी है, आर से, इसलिए ए को कहाँ जाना पड़ेगा, ओपन सफियर में। इसका मतलब ए एस आर ए में चला गया, इसका मतलब कोई और जाए ना जाए सेंटर खुद तो बैठा ही है सफियर में, इसका मतलब हमारा जो ओपन सफियर है क्या हो गया, नॉन एम्प्टी। अब है क्लोज सफियर, तो जैसे आपने ओपन सफियर पढ़ा बिल्कुल सेम वैसे ही क्लोज सफियर पढ़ेंगे, हल्का सा चेंज है इसमें। क्या मान लो एक्स डी आपका मैट्रिक्स स्पेस है, ए कोई हमने एक्स से उठाया और आर कोई पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया, तो वो वाला सेट मैट्रिक्स स्पेस के जिसमें वो पॉइंट्स आएंगे जो हम ए से जिसकी डिस्टेंस निकाले वो आर से छोटी हो या आर के बराबर हो, ये जो बराबर वाला पॉइंट है बस यही एक्स्ट्रा है। जैसे ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में आप पढ़ते हो, ओपन इंटरवल 3-5 ले तो 3 नहीं लेना, 5 नहीं लेना, बीच का तो लेना है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि वही इंटरवल क्लोज इंटरवल हो गया तो आप 3 को भी लोगे, 5 को भी लोगे, बीच वाले भी लोगे, तो 3 और 5 बाउंड्रीज भी आ जाती हैं। ऐसे क्लोज सफियर में है, क्लोज सफियर में क्या है कि हमने वो वाले एक्स लेने हैं जिसके डिस्टेंस हम ए से निकालें, या तो आर से छोटी होनी चाहिए या आर के बराबर, तो ये वाला जो सेट बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, क्लोज सफियर। इसी तरह से ए क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ द सफियर, आर क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ सफियर। नोटेशन में भी चेंज क्या है, एस आर वहाँ पे सी ब्रैकेट ए लगाते थे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ए, या आप एस क्लोज ब्रैकेट ए कोमा आर लिख सकते। तो इसका मतलब एस आर ए क्या हो गया, इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज लेस देन इक्वल टू आर। जैसे हमने ओपन सफियर रियल लाइन पे पढ़े उसी तरह आप क्लोज सफियर भी रियल लाइन पे पढ़ सकते हो, तो ये क्या बन जाएंगे, क्लोज इंटरवल विद सेम सेंटर विद सेम रेडियस। अब हम पढ़ते हैं इंटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, जैसे नाम से ही क्लियर है, इंटीरियर मतलब बस अंदर ही घुसा हुआ है, तो एक्चुअल में भी यही ही चीज़ है। तो हमने एक्स हमने मैट्रिक्स स्पेस ले लिया, इस मैट्रिक्स स्पेस के अंदर हमने एक ए सबसेट उठा लिया, इसी ए का एक पॉइंट उठा लिया, इस स्मॉल ए को हम इस कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट कब कहेंगे, अगर मैं ए को सेंटर मान के एक सफियर ड्रॉ कर सकूं जो पूरा का पूरा ए के ही अंदर रह जाए, तब हम इस स्मॉल ए को कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। इसका मतलब ए को सेंटर मान के एक सफियर ड्रॉ करना है, वो सफियर पूरा का पूरा ए के अंदर ही अगर घुसा हुआ है, इट मींस दैट ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ कैपिटल ए, तभी वो उसको क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट। चलो हम इसको एग्जांपल्स के बेसिस पे समझते हैं, और एग्जांपल्स हमें कहाँ मिलेंगे, रियल लाइन। तो मान लो हमने एक्स ले लिया रियल लाइन, ए हमने ले लिया, कोई भी सबसेट ले सकते हैं, मैंने -3 से 3 ओपन इंटरवल ले लिया और ए को ले लिया 1। अब हम चेक करते हैं क्या इस 1 को मैं इस कैपिटल ए सबसेट का इंटीरियर पॉइंट कहूंगी या नहीं। तो ड्रॉ करें, ये हमारी रियल लाइन है, ये -3 से 3 हमारा ए सबसेट हो गया, ये आपने ए को 1 ले लिया। अब देखो इस 1 की -3 से डिस्टेंस कितनी होगी, 1 -3 यानी कि 4, 4 डिस्टेंस है, हमने छोटी सी लेनी है, चाहे 1 ले लो, चाहे 1/2, चाहे 1/3, चाहे 1/4, जितनी भी डिस्टेंस मैं बोल रही हूँ, अगर मैं उतना इसमें से माइनस कर दूँ, उतना ही इसमें जोड़ दूँ, यानी कि मान लो 1/2 ले लिया, 1 में से 1/2 घटा दिया, 1 में 1/2 जोड़ दिया, ये कौन बन गया, ओपन इंटरवल, किसका, कौन सेंटर है, 1, रेडियस कितनी, 1/2, यानी कि क्या बन गया, ओपन सफियर विद सेंटर 1, रेडियस 1/2। तो ये जो ओपन इंटरवल है ये इस सेट के अंदर रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा। अगर आप 1 रेडियस ले लो तब भी रहेगा, 1/2 ले लो तब भी रहेगा, 1/3 ले लो तब भी रहेगा, 1/4 ले लो तब भी रहेगा। इसका मतलब इस ए को मैं सेंटर मान के एक सफियर ड्रॉ कर सकती हूँ जो पूरा का पूरा इसके अंदर रहेगा, इसका मतलब ये 1 जो है इस कैपिटल ए का क्या बन गया, इंटीरियर पॉइंट। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, ए मेरा वही सबसेट है, अब मैंने पॉइंट ले लिया 2.9, अब 2.9 और 3 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, अब 2.9 और 3 से डिस्टेंस निकालो, कितना है 3 और 2.9 का डिस्टेंस, 3 में से 2.9 माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा, 0.1 का मतलब 1/10, हम क्या करेंगे 1/10 से छोटी रेडियस ले लेते हैं, 1/10 ये डिस्टेंस है, इसका आधा कर दो, 1/10 का आधा 1/20, अगर मैं 1/20 ले लूँ रेडियस तो 1/20 यहीं पर रुक जाएगी,
तो मैंने क्या किया, 2.9 को सेंटर लिया और 1/20 रेडियस ले ली। तो ये क्या बनेगा, 2.9 में से 1/20 माइनस कर दोगे और 2.9 में 1/20 ऐड कर दो। जब माइनस करेंगे यहाँ से तो कोई खतरा ही नहीं, अपने को पूरी लंबी लाइन पड़ी, इधर से ही खतरा है ना। लेकिन मैंने तो 1/20 लिया तो यहीं पर ही रुक जाएगी। इसका मतलब ये जो इंटरवल बनेगा ये भी इसी कैपिटल ए के अंदर ही रहेगा। इसका मतलब ये 2.9 भी इस सेट का क्या बनेगा, इंटीरियर पॉइंट। इनफैक्ट आप 2.9 के बजाय 2.9999 जितने मर्जी ले लो, वो भी इंटीरियर पॉइंट ही बनेंगे, क्योंकि जो भी आप पॉइंट लोगे 2.9999 आप उसके 3 से डिस्टेंस निकाल दो, फिर उसका हाफ कर दो या 1/3 कर दो या 1/4 कर दो, हम उतनी रेडियस ले लेंगे। उतनी रेडियस लेके अगर ओपन सफियर ड्रॉ करेंगे तो उसको इसके अंदर ही रहना पड़ेगा। और अगर मैं किसी पॉइंट को सेंटर मान के ओपन सफियर ड्रॉ करूं और वो उसी सेट के अंदर ही रह जाए तो हम उसको क्या कह देते हैं कि ये तो इंटीरियर पॉइंट बनेगा। तो इसका मतलब 2.9 भी इसका इंटीरियर पॉइंट बन गया। और एग्जाम्पल्स, अब मान लो मैंने ए ले लिया क्लोज इंटरवल 3-5, ये मेरा 3-5 हो गया। अब ए को ले लिया 4, ये है। अब 4 को सेंटर मान के चाहे आप 1/2, 1/3, 1/4 जितनी मर्जी रेडियस लो, इसी के अंदर रहेंगे। इसका मतलब 4 इसका इंटीरियर पॉइंट है। अब 3 के बारे में क्या ख्याल है, 3 के बारे में देखें। मान लो ये 3 है, इस 3 को सेंटर मान के मैं कोई भी अगर ओपन इंटरवल ड्रॉ करती हूँ, ओपन इंटरवल ड्रॉ करूंगी तो 3 में थोड़ा ऐड भी करूंगी, 3 में थोड़ा माइनस भी करूंगी। 3 में ऐड करेंगे तो कोई खतरा नहीं, हम सेट के अंदर है। 3 में से जैसे ही मैं कुछ माइनस करूंगी मुझे सेट के बाहर जाना पड़ेगा। अगर सेट के बाहर जाना पड़ेगा तो वो ओपन इंटरवल फिर से हमें कैसे आएगा, नहीं आ सकता। इसका मतलब ये जो 3 है ये इंटीरियर पॉइंट नहीं बन सकता। तो 3 इस सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। सिमिलरली मैं 5 को लेती हूँ, मान लो ये 5 है। अगर आप 5 को सेंटर मान के 1/1 करोड़ भी रेडियस ले लो, 1/1 करोड़ बहुत छोटा पॉइंट है। अगर मैंने 1/1 करोड़ ले लिया तो 5 में मेरे को 1/1 करोड़ ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं 5 में 1/1 करोड़ जोड़ूंगी तो मैं 5 से बड़ी हो गई, 5 से बड़ी हो गई तो मैं सेट से क्या हो गई, बाहर। सेट से बाहर हो गई तो वो सफियर इस सेट के अंदर नहीं जाएगा। अगर सफियर सेट के अंदर नहीं जाएगा तो फिर इंटीरियर पॉइंट कैसे बनेगा। इसका मतलब ना तो 5 इंटीरियर पॉइंट है और ना ही 3 इंटीरियर पॉइंट है, लेकिन 3 और 5 के बीच में जो भी है वो सभी क्या बन जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट। अगर 3.1 ले लें तो इंटीरियर पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 3.1 और 3 की क्या डिस्टेंस है, 0.1। आप 0.1 का हाफ कर दो, 1/3 कर दो, तो इसका मतलब वो भी इसी के अंदर रहेगा। इसका मतलब इस सेट का इंटीरियर पॉइंट 3 नहीं है, 5 नहीं है, 3 से बड़े सारे हैं, 5 से छोटे सारे। नेक्स्ट, तो इसका 3 इंटीरियर पॉइंट नहीं है, 5 नहीं है, बाकी सभी इसके क्या है, इंटीरियर पॉइंट्स। तो अब हम इन इंटीरियर पॉइंट्स का भी नाम देते हैं। क्या नाम है इसका, मान लो ए हमारा सेट है, इस ए सेट के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स बन गए हम उसको बोलते हैं इंटीरियर ऑफ ए एंड इट इज डेनोटेड बाय ए नोट। इसको बोलना नहीं है ए नोट, इसको बोलेंगे क्या, ए इंटीरियर। लिखते ए नोट है पर बोलते क्या है, ए इंटीरियर। नेक्स्ट, अब हमने ये टेबल बनाई है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेके उनके इंटीरियर पॉइंट्स निकालेंगे। तो ए हमने ले लिया क्लोज इंटरवल ए, जैसे अभी मैंने क्लोज इंटरवल 3-5 लिया, उसके मैंने इंटीरियर पॉइंट क्या क्या बताए थे, 3 कहा था नहीं है, 5 कहा था नहीं है, 3 और 5 के बीच के सारे थे। सिमिलरली ए इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, बी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, लेकिन ए से बड़े सारे बनेंगे, बी से छोटे सारे बनेंगे। तो इंटीरियर पॉइंट का सेट कौन बन जाएगा, ओपन इंटरवल ए। सिमिलरली आप इसके लिए कर सकते हो, यहाँ पे ए की तरफ से क्लोज है तो इसका मतलब जब मैं ए को सेंटर मान के सफियर ड्रॉ करूंगी मुझे ए से बाहर जाना पड़ेगा, इसका मतलब ए इंटीरियर पॉइंट नहीं है। बी तो बेचारे के पास खुद ही नहीं तो इसलिए बी तो मैंने देखना ही नहीं, बी से छोटे देखने हैं और बी से छोटे में हमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि जो भी छोटा होगा उसकी बी से डिस्टेंस निकालेंगे, उस डिस्टेंस का 1/3, 1/4 करके हम सफियर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए इसका इंटीरियर पॉइंट भी क्या बनेगा, ओपन इंटरवल ए कोमा बी। सिमिलरली ए कोमा बी क्लोज है तो इसका भी इंटीरियर पॉइंट क्या बन जाएगा, ओपन इंटरवल ए कोमा बी। ओपन इंटरवल ए कोमा बी, जैसे अभी -3.3 का ओपन इंटरवल था उसका भी इंटीरियर पॉइंट क्या बन गया था, वो पूरे का पूरा, तो ये भी बन गया ओपन इंटरवल ए कोमा बी। अब आते हैं हम, मान लो हमारा ए है नेचुरल नंबर, सेम केस इंटीजर्स के साथ भी हो जाएगा। तो मान लो हम नेचुरल नंबर पे,
हैं. नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3 एंड सोन. तो मैंने 1, 2, 3 ले लिए एंड सोन और भी आएंगे. मान लो आपने 1 को सेंटर मान के इन सफियर ड्रॉ करा. आप चाहे जितना मर्जी छोटा सफियर ड्रॉ कर लो. जब मैं सफियर ड्रॉ करूंगी तो ये सफियर में खाली 1 आएगा और कौन आएंगे? फ्रैक्शंस आएंगे. तो ये जो फ्रैक्शंस है ये नेचुरल नंबर में तो नहीं जाएंगे ना. नेचुरल नंबर में तो खाली ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है एंड सोन. तो ये पूरा का पूरा ओपन इंटरवल तो नेचुरल नंबर में नहीं जाता. इसका मतलब 1 को सेंटर मान के मैं कोई भी सफियर ड्रॉ करूँ उस नेचुरल नंबर के अंदर नहीं जाता. अगर ये सफियर नेचुरल नंबर में जाएगा तब हम 1 को कहेंगे ये नेचुरल नंबर का इंटीरियर पॉइंट है. इसका मतलब 1 नेचुरल नंबर का इंटीरियर पॉइंट नहीं है. अब केस 2 के साथ ले लो. 2 को सेंटर मान के जब सफियर ड्रॉ करूंगी तो उसमें भी तो फ्रैक्शंस आएंगे, वो भी तो नेचुरल नंबर में नहीं जाएगा. इसका मतलब 2 भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है. सिमिलरली 3 भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है. इनफैक्ट इसका कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसलिए इसका इंटीरियर क्या आ गया? एम्प्टी सेट. सेम केस आप इंटीजर्स के साथ कर सकते हो. इंटीजर्स में क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगी, -1, -2, -3 आ जाएंगे. उसमें भी आप किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के स्फीयर ड्रॉ करो, वो वापस इंटीजर्स में नहीं जाएगा. नेक्स्ट है, मान लो हमने ले लिए रैशनल्स. रैशनल में तो हम कहेंगे पॉइंट्स भी आ गए, इंटीजर्स भी आएंगे, पॉइंट्स भी आएंगे. इस केस में क्या करें? अभी हमारे इसमें 1 भी है, 2 भी है, 1/2, 3/2, 4/2, 5/2 सभी पड़े. अब मान लो आपने 1 को सेंटर मान के सफियर ड्रॉ करा तो इस सफियर में फ्रैक्शंस आ गए. फ्रैक्शंस आ गए वो तो कोई बात नहीं, फ्रैक्शंस तो क्यों में चले जाएंगे. लेकिन खाली फ्रैक्शंस तो नहीं आते, कौन कौन आते हैं? ये कौन बनेगा? रियल नंबर. ये भी कौन बनेगा? रियल नंबर. अगर 2 रियल नंबर है तो 2 रियल नंबर के बीच में क्या होते हैं? इनफाइनेटली मैनी रैशनल्स और इनफाइनेटली मैनी इरेशनल. जो इसके बीच के रैशनल्स हैं वो तो क्यों में चले गए, लेकिन जो इसके बीच के इरेशनल हैं वो तो क्यों में नहीं जाएंगे. इसका मतलब पूरा का पूरा ओपन सफियर तो अब भी क्यों में नहीं गया. अगर पूरा का पूरा ओपन सफियर अब भी रैशनल्स में नहीं जाता, इसका मतलब 1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा. अगर आप 3/2 का केस ले लो, जब 3/2 को सेंटर मान के मैं सफियर ड्रॉ करूंगी उसमें भी सेम केस, वो भी 2 रियल नंबर बनेंगे. उसकी बाउंड्रीज 2 रियल नंबर के बीच में. फिर आप कहोगे रैशनल भी आएंगे, इरेशनल भी आएंगे. रैशनल तो उसमें चले जाएंगे पर इरेशनल नहीं जाएंगे, इसलिए 3/2 भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा. यानी कि सिमिलरली कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा. तो रैशनल्स का इंटीरियर भी क्या हो गया? एम्प्टी. सेम केस आप इरेशनल के साथ कर सकते हो. जब हम इरेशनल को सेंटर मान के सफियर ड्रॉ करेंगे तो फिर 2 रियल नंबर आ गए. 2 रियल नंबर के बीच में फिर आप कहोगे रैशनल भी आएंगे, इरेशनल भी आएंगे. जो इरेशनल होंगे वो तो चले गए लेकिन रैशनल तो नहीं जाएंगे. इसका मतलब पूरा का पूरा ओपन सफियर वापस इरेशनल्स में नहीं जाएगा. इसका मतलब इसका भी इंटीरियर क्या बन जाएगा? एम्प्टी. अब है हमारी रियल लाइफ. अब रियल लाइन का इंटीरियर निकालना है. हम रियल लाइन पे खड़े हैं. अब कोई मर्जी पॉइंट ले लो, उसको सेंटर मान के जब ओपन इंटरवल ड्रॉ करेंगे तो हम उसी रियल लाइन पे रहेंगे. अगर उसी रियल लाइन पे रहेंगे इट मींस वो इंटीरियर पॉइंट है. तो इसका रियल लाइन का जो इंटीरियर होगा वो पूरी रियल लाइन खुद होगी. अब हमने एक ले लिया फाइनाइट सेट, ये 1, 2, 3 फाइनाइट. तो इसका अपने पास 1 है, 2 है, 3 है और कोई पॉइंट नहीं है, ना बीच का, ना इधर का, ना इधर का. जब मैं 1 को सेंटर मान के सफियर ड्रॉ करूंगी तो इसमें तो बीच के भी आएंगे, वो बीच के इस 1, 2, 3 में तो बिलोंग नहीं करते. इसका मतलब 1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है. सिमिलरली 2 भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है. सिमिलरली 3 भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है. हेंस इसका इंटीरियर क्या हो गया? एक एम्प्टी सेट हो गया. तो मेरे ख्याल से आपको किसी भी सेट का इंटीरियर दे दिया जाए आप आराम से निकाल सकते हो. आपने करना क्या है? उसका कोई भी पॉइंट पकड़ना है, उसको सेंटर मान के ये देखना है क्या छोटी से छोटी रेडियस का भी मैं सफियर ड्रॉ करूँ वापस इसमें जाता है कि नहीं जाता. अगर चला गया तो बन गया इंटीरियर, नहीं गया तो नहीं बनेगा इंटीरियर. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट. नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट बिल्कुल इंटीरियर से मिलती ही है. इनफैक्ट सेम डेफिनेशन ही आएगी. जैसे हम कहते हैं ना राम का फादर श्याम है, तो राम सन हो गया, श्याम फादर हो गया. ऐसे ही इंटीरियर और नेबरहुड में रिश्ता है. ए का इंटीरियर, कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट स्मॉल ए है, तो हम कहेंगे स्मॉल ए की नेबरहुड कैपिटल ए. चलो इसको डिटेल में पढ़ते हैं. तो एक्स डी मान लो क्या है? मैट्रिक्स स्पेस.
फिर हमने ए क्या ले लिया, x का सबसेट, स्मॉल a हमने x में से उठाया। अब इस कैपिटल A को इस स्मॉल a की हम नेबरहुड कहेंगे। अगर मेरे को एक रियल नंबर मिल जाए कि मैं स्मॉल a को सेंटर मान के वो इंटरवल ड्रॉ करूं या सफियर ड्रॉ करूं, वो सफियर पूरा का पूरा कहाँ चला जाए, कैपिटल A में, तब हम इस कैपिटल A को स्मॉल a की नेबरहुड कहते हैं। इंटीरियर पॉइंट में भी हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने कहा था स्मॉल a इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ कैपिटल A, और यहाँ हम कह रहे हैं कैपिटल A इज नेबरहुड ऑफ स्मॉल a। इसका मतलब जब जब कैपिटल A स्मॉल a की नेबरहुड होगी, तब तब स्मॉल a कैपिटल A का इंटीरियर पॉइंट होगा। तो इंटीरियर पॉइंट और नेबरहुड दोनों एक जैसे ही हैं, तो जो एग्जांपल्स हमने इंटीरियर पॉइंट में दिए हैं उसी से ही हम इलस्ट्रेट कर देंगे कौन कौन पॉइंट किस किस की नेबरहुड है। तो चलो करते हैं। अभी मैंने ये लिया, मान लो एक क्लोज इंटरवल ए भी है, अब मैंने देखना है ये किस किस की नेबरहुड है। इसका इंटीरियर कौन आया था, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ए इसके इंटीरियर में नहीं था, इसका मतलब ए इसकी नेबरहुड भी नहीं है, स्मॉल ए इसकी नेबरहुड ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप स्मॉल ए को सेंटर मान के इंटरवल ड्रॉ करोगे, वो इंटरवल वापस इसके अंदर नहीं जाएगा। इसी तरह जब आप स्मॉल बी को सेंटर मान के इंटरवल ड्रॉ करोगे, वो इंटरवल वापस इसमें नहीं जाएगा। लेकिन अगर स्मॉल ए से बड़ा कोई ले लो, स्मॉल बी से छोटा कोई ले लो, तो उन सब के लिए हम स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब उन सब की ये नेबरहुड है, तो ए और बी को छोड़ के ये बाकी सब की नेबरहुड है। इसी तरह नेक्स्ट वाला, ये किसकी नेबरहुड नहीं होगी, स्मॉल ए की, बाकी सबकी नेबरहुड है। नेक्स्ट वाला ये बी की नेबरहुड नहीं होगा, नेक्स्ट वाला ये अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड होगा, क्योंकि आप इसका कोई भी पॉइंट ले लो, आप उसको सेंटर मान के स्फीयर ड्रॉ कर सकते हो जो वापस इसी में जाए। अब आप नेचुरल नंबर देखो, क्या नेचुरल नंबर वन की नेबरहुड है? वन की नेबरहुड कब बनेगी, जब वन को सेंटर मान के स्फीयर ड्रॉ करें और वो नेचुरल नंबर में चला जाए। क्या ऐसा होता है? अभी अभी बताया था, वन को सेंटर मान के जब हम स्फीयर ड्रॉ करते हैं वो तो वापस ही नहीं जाता, इसका मतलब ये वन की नेबरहुड नहीं है। सिमिलरली ये टू की भी नहीं है, सिमिलरली ये थ्री की भी नहीं है, इसका मतलब इट इज नेबरहुड ऑफ नन ऑफ इट्स पॉइंट्स, ये किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं है। सिमिलरली इंटीजर्स के केस में भी हम कह सकते हैं ये भी किसी की नेबरहुड नहीं। नेक्स्ट रैशनल्स, रैशनल किसी की नेबरहुड होंगे, मान लो वन है, क्या ये वन की नेबरहुड बनेगा? वन को सेंटर मान के जब मैं सफियर ड्रॉ करूंगी, क्या वो रैशनल में जाएगा? नहीं जाएगा। क्या दिक्कत है? क्योंकि इसको सेंटर मान के जब सफियर ड्रॉ करा, इसमें रैशनल भी आए, इरेशनल भी आए, रैशनल तो उसमें चले गए, इरेशनल उसमें नहीं जाएंगे। इसका मतलब पूरा का पूरा ओपन सफियर रैशनल्स में नहीं गया, इसलिए ये रैशनल की नेबरहुड नहीं है। इसका मतलब वन इस क्यू की क्यू वन की नेबरहुड नहीं है। सिमिलरली यू कैन से इरेशनल भी किसी पॉइंट की नेबरहुड नहीं है। नेक्स्ट रियल लाइन का इंटीरियर, रियल लाइन आ गया, इसका मतलब रियल लाइन इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, क्योंकि आप इसका कोई भी पॉइंट ले लो, उसको सेंटर मान के स्फीयर ड्रॉ करोगे, वो उसी के अंदर रियल लाइन में ही रहेगा, हेंस इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अब ये फाइनाइट सेट है, क्या ये किसी की नेबरहुड होगी? ये भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका भी इंटीरियर क्या है, एम्प्टी, क्योंकि जब मैं वन को सेंटर मान के स्फीयर ड्रॉ करूंगी वो वापस ही नहीं जाएगा, इसका मतलब ये वन की नेबरहुड नहीं है। सिमिलरली ये टू की भी नहीं है, सिमिलरली ये थ्री की भी नहीं है। नेक्स्ट, अब हम नेबरहुड दिखाते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में। हमने ओपन स्फीयर पढ़ लिया डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में, क्या था ओपन स्फीयर डिस्क्रीट में, अगर ए कोई सेंटर है, रेडियस एक से बड़ी है, तो पूरा मैट्रिक्स स्पेस ओपन स्फीयर बन जाता है, और अगर रेडियस एक है या एक से छोटी है, तो सिंगलटन पॉइंट जो सेंटर है वही हमारा क्या बन जाता है, ओपन स्फीयर। तो अब एक्स डी हमारा डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है। अब हमने दिखाना है एक्स का कोई मर्जी सबसेट ले लो, वो जो इस स्मॉल एक्स को कंटेन करता है अगर, तो वो स्मॉल एक्स की नेबरहुड भी होगा, यानी कि कोई मर्जी सबसेट ले लो वो अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड होगा, ये हमें शो करना है। तो आपने एक्स डी डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस ले लिया। डिस्क्रीट मैट्रिक का पता ही है कि पॉइंट्स अगर सेम है तो डिस्टेंस जीरो, पॉइंट्स अलग अलग है तो डिस्टेंस वन। अब आपने ए कोई भी सबसेट ले लिया, मान लो एक्स इस ए के अंदर है, अगर मैं x को सेंटर मान के एक रेडियस लूँ या एक से छोटी, मैंने एक बटा दो ले ली, एक बटा दो रेडियस लूंगी, तो सफियर क्या बनेगा, खाली x, सिंगलटन x बनेगा, और x क्योंकि a में पड़ा है तो सिंगलटन x भी कहाँ जाएगा, a में,
सिंगलटन एक्स ए में जाएगा तो ये ओपन सफियर भी कहाँ चला गया, ए में। इसका मतलब आप एक्स को सेंटर मान के एक सफियर ड्रॉ कर सकते हो जो पूरा का पूरा किसके अंदर चला गया, ए के अंदर। इसका मतलब ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स। इसका मतलब अगर आप वाई लेते तो वाई को सेंटर मान के अगर आप 1/2, 1/3 यानी कि या 1 रेडियस मान के सफियर ड्रॉ करते तो सिंगलटन वाई आ जाता, वो भी ए में ही जाएगा। इसका मतलब ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, ओपन स्फीयर, इंटीरियर पॉइंट, नेबरहुड। मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इंटीरियर पॉइंट किसी भी सेट का हो आप आराम से निकाल सकते हो, नेबरहुड किसी भी पॉइंट की ये बता सकते हैं ये इसकी नेबरहुड है या नहीं, ओपन स्फीयर भी हम बता सकते हैं भले ही उसकी शक्ल ओपन स्फीयर जैसी ना लगती हो, हमें चेक करना पड़ेगा ये ओपन स्फीयर है या नहीं। तो आगे इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ओपन सेट्स और ओपन सेट से रिलेटेड थ्योरम्स। अभी तक तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तक तो आपने सिर्फ एग्जांपल्स रीड करे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम काफ़ी थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे, उसमें इन्हीं ओपन स्फीयर, इंटीरियर पॉइंट और नेबरहुड के कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो उन थ्योरम्स में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है इस लेक्चर में तो ये लेक्चर YouTube पर 24 आवर्स अवेलेबल है और अगर आप इसको बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। एंड आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया इस लेक्चर को सुनने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।